vaccination. I don't need vaccination. Come on. I don't want vaccination. Oh. This. Yes. Picture अभी बाकी है. मैं बोला है ना. Picture अभी बाकी है. Meanwhile. I'll give you video. I'll show you this video to everyone. That you. मेरे साथ अन्याय हुआ है. मेरे साथ अन्याय हुआ है. और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा. Where are we going? We are going for vaccination. I don't need vaccination. Come on. I don't want vaccination. This is Iman. Imani vaccination actually. Imani, is your vaccination card? अस्सलामुअलैकुम. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे. हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, हम जा रहे हैं अज़ान और ईमान की वैक्सीनेशन के लिए. और हर मंथ में इन दोनों की वैक्सीनेशन होती है. ईमान का मंथ का गैप हो जाता है, बट अज़ान की ऑलमोस्ट हर मंथ चल रही है. अच्छा, यहाँ पर मोहम्मद बिन ज़ायद सिटी में वैक्सीनेशन सेंटर है. मैं वहाँ से अज़ान और ईमान की वैक्सीनेशन हम लोग करवा रहे हैं. और अज़ान की वैक्सीनेशन लेट हो गई क्योंकि वो 4 साल का है और उसकी वैक्सीनेशन अभी कंटिन्यू की है हम लोगों ने. अज़ान की वैक्सीनेशन लेट हुई थी किसी रीजंस की वजह से, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. अच्छा, हम लोग यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 बजे का टाइम है शाम का. हमारी 6 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग निकले थे तकरीबन 4 बजे घर से. वहाँ पे रश भी होता है सम टाइम, और ये डिपेंड करता है आपका कि आपका वीकेंड है या नॉर्मल डेज़ है. नॉर्मल डेज़ में थोड़ा कम रश होता है और वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश होता है. लाइक सैटरडे संडे, तो संडे उनका ऑफ होता है. वैसे उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है. स्मूथ सा प्रोसीजर होता है. आपने बस अपॉइंटमेंट से एक घंटा या आधा घंटा पहले जाना होता है. हम लोग ऑलमोस्ट हर बार में टाइम पे पहुंच जाते हैं. और कभी कभी रश होता है तो हमें बहुत टाइम लग जाता है, लाइक 1-2 आवर्स भी लग जाते हैं. और कभी कभी जाओ और फिर फौरन आपकी बारी आ जाती है. ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर. ये सिया का सेंटर ना मोहम्मद बिन ज़ायद सिटी में है, और मुझे जोन नहीं याद बिल्कुल भी अभी कौन सा जोन है, बट सबको पता होगा कि वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे. अच्छा, पाकिस्तान और यूएई के जो वैक्सीनेशन का प्रोसीजर बहुत डिफरेंट है. और मैं कहती हूँ बड़ा ही स्मूथ यहाँ का होता है. वहाँ पे आपको जी वैक्सीनेशन लगवाने जाना होता है, गंदे गंदे से सेंटर उन्होंने बनाए होते हैं. और आपको जी एक मतलब वहाँ पे ना ही कोई प्रोसीजर होता है ना कुछ. यहाँ पे एक आपका प्रॉपर प्रोसीजर होता है. आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने उसका वैक्सीनेशन करवानी है. और आपके मेरे ख्याल में यहाँ पे वैक्सीनेशन के साथ साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आपके बच्चे के सारे वो टेस्ट जो है वो साथ करते हैं. आपका हेयरिंग टेस्ट होता है और बाकी ब्लड टेस्ट वगैरह और आई टेस्ट वगैरह, ये सब कुछ आपके उसके टेस्ट होते हैं बच्चे के. अज़ान के भी हुए थे और अज़ान के अल्हम्दुलिल्लाह आई टेस्ट और सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक थे. और ब्लड टेस्ट मैंने इसलिए नहीं करवाए थे क्योंकि अज़ान के पहले मैं LLH से करवा चुकी थी किसी रीजंस की वजह से. ये मोहम्मद बिन ज़ायद की सबसे मशहूर मस्जिद है, इसको फातिमा मस्जिद कहते हैं. और इसका जो पिलर है ये बुर्ज खलीफा के शेप के साथ मिलता जुलता बनाया गया है. ये सबसे जिन जो यहाँ पर मोहम्मद बिन ज़ायद सिटी में रहते हैं उनको इस चीज़ का बड़ा अच्छे से इल्म होगा. हम भी इसी के जोन 19 में रहते थे. अब ये कौन सा जोन है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है. माँ इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मारती है, तौबा. अच्छा, इसी मस्जिद के ना बैक साइड पे वो सिहा का सेंटर है, और यहाँ पे हम लोग जी से वैक्सीनेशन के लिए आए हैं. इतना माशाल्लाह से साफ़ सुथरा माहौल और इतना नीट माहौल, इतनी कोऑपरेटिव स्टाफ और इतना अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट. इतना अच्छा आपको फ़ील होता है अपने बच्चों के लिए कि बड़ा सेफ़ है और बड़ा साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है. अज़ान को ना वैक्सीनेशन से बहुत डर लगता है. फ़र्स्ट टाइम तो वो बड़े शौक से आ गया था, लेकिन अब जब भी आता है ना उसको एक डर होता है कि जी वैक्सीनेशन होगी मेरी, मैंने नहीं जाना. उसको इतना सेंसिटिव बच्चा है ना कि इंजेक्शन के नाम पे तो उसको ऐसे होता है ना, हालांकि इतना पेन या कुछ ना भी हो तो ही फील सो मच. उसको ये होता है कि हाँ भाई, मुझे तो दर्द होना ही है, मुझे तो तकलीफ़ होनी ही है, ब्लड आना ही है. इमान बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी उसका ये सिस्टम है कि वो इतना फ़ील नहीं करती क्योंकि वो बच्चा है. इतना ज़्यादा फील वैसे भी नहीं करता,
और बट अजान इज़ सो सेंसिटिव, उसका यही होता है कि बस उसको बस होता है मम्मी ब्लड कमिंग, और ना भी हो तब भी कह रहा होता है। अच्छा, हम लोग एंटर हो गए हैं यहाँ पे, राइट साइड पे रिसेप्शन है इसका वैक्सीनेशन का, और मेन काउंटर पे नहीं, आपने यहाँ से करना होता है, या फिर आप यहाँ से अगर वहाँ पे काउंटर पे कोई मौजूद ना हो वैसे सीधा यहाँ से जाएं तो आगे एंड पे जाके राइट में वैक्सीनेशन का सेंटर है प्रॉपर, वहाँ पे आपकी वैक्सीनेशन होती है। वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हो तो आपने सीधा वहाँ जाके अपना आईडी कार्ड, एमरेट्स आईडी और सारा डिटेल वैक्सीनेशन कार्ड दे देना होता है, देन वो आपको बता देते हैं कि हाँ ठीक है आप वेट करें। मैं जब यहाँ पे आई तो यहाँ काउंटर पे कोई बंदा ही मौजूद नहीं था, और फिर उसके बाद हम लोग वापस गए मेन काउंटर पे, वहाँ से उन्होंने जो हमारी अपॉइंटमेंट चेक की और वहाँ से फाइल का डिटेल करके हमें कहा कि आप वेट करें। हम लोग वहाँ पे वेटिंग एरिया में काफ़ी देर बैठे रहे, देन उसके बाद हम लोग वापस इधर वापस आ गए थे अपॉइंटमेंट के लिए। ये वेटिंग एरिया जो मेन है, मैं आपको पहले भी बता रही थी कि ये एंटर होने के बाद राइट साइड पे आता है, यहाँ से आपका अगर वहाँ पे काउंटर पे कोई नहीं मौजूद या फाइल आपकी वहाँ से नहीं होती तो यहाँ से आप करवा सकते हैं। वैसे तो जो लोग यहाँ पे मोस्टली जाते हैं उनको प्रोसीजर पता है, लेकिन इनकेस अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो यही होता है कि यहाँ पे आपने डायरेक्ट वो डायरेक्ट सबसे मेन काउंटर पे जाना है जो कि सबसे एंड में था। अगर वहाँ पे कोई नहीं मौजूद तो आपने इस काउंटर पे आके अपनी फ़ाइल वगैरह ओपन करवाई होती है और वहाँ पे अपने सिर्फ एमरेट्स आईडी और डिटेल देनी होती है, देन यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। बस हम यहाँ पे बैठे वेट कर रहे थे, इतने में अजान और ईमान भी आ गए, वो बाहर गाड़ी पार्क करने गए थे, हम मैं और अजान आ गए थे ताकि हम लोग आके अपनी एटलीस्ट एमरेट्स आईडी वगैरह दे के अपनी नंबर ले सकें। अजान की वैक्सीनेशन हमारी हो गई थी लेट क्योंकि हम लोग पाकिस्तान चले गए थे और बीच में इसकी वैक्सीनेशन हमने वहाँ पे स्टॉप हो गई थी किसी वजह की वजह से, मतलब हमें टाइम नहीं मिला या कुछ भी था। मैंने वैसे ट्राई तो किया था हम लोगों ने, बट नेगलिजेंस भी थी कुछ हमारी, बस में वापस आए तो हमें यहाँ पे पता लगा जी यहाँ पे तो आपको वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने बच्चे की स्कूलिंग यहाँ पे करनी है तो आपको वैक्सीनेशन का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे एडमिशन ही नहीं मिलता स्कूल्स में। तो हमने फिर यहाँ से पता किया प्रोसीजर, उन्होंने कहा कि आपके पास पाकिस्तानी अगर कार्ड मौजूद है वैक्सीनेशन का, इवन एक वन डोज है जो भी है, तो आप वो ले आएँ तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। हम लोगों ने फिर यहाँ से डिटेल लेने के बाद यहाँ से इसकी कंटिन्यू करवाई। यहाँ पे हम वाइटल के लिए आए थे, जान का वाइटल हो रहा था यहाँ पे चेक पर सारी डिटेल, वो आपका वाइटल में क्या करते हैं सारी डिटेल आपकी चेक कर लेते हैं, आपका वेट वगैरह बच्चे का हर सब चेक करते हैं, देन उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट वहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि आपने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी कब है और आपने कब वापस आना है। यहाँ पे अजान को एक छोटा सा फ्रेंड मिल गया था, ये अरबिक बच्चा था कोई, इसके साथ अजान के साथ काफ़ी देर खेलता रहा और माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव बच्चा था। अजान भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव है, लेकिन इसके साथ पूरे इसने ना वहाँ पे ना खेलने में और इसमें शोर मचाया हुआ था। मैंने कहा अजान इस हॉस्पिटल, खैर ये दोनों आपस में खेलते रहे काफ़ी देर और हम लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे। अजान ईमान के वैक्सीनेशन का डे ना बड़ा ही कोई मुश्किल और टेंशन वाला दिन होता है क्योंकि आप बच्चे बुखार भी हो जाता है और पेन, ख़ासतौर पर अजान को बोन्स में अक्सर पहले भी पेन रहती हुई थी, रात को अक्सर ये क्या करता है रोता है, इसको पेन होती है बहुत ज़्यादा टांगों में। तो मैंने उसके लिए टेस्ट भी करवाए, इसके सब ठीक थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ लोग कहते थे कि ग्रोइंग पेन है, डॉक्टर्स ने भी कहा ग्रोइंग पेन है, बट आई डोंट नो व्हाट द रीज़न, इसको अक्सर रात को टांगों में दर्द हो जाती है। तो जब भी इसको वैक्सीन इसको लगती है मुझे ईमान से ज़्यादा इसकी टेंशन होती है क्योंकि इसको लाजमी दर्द होती है, बुखार कभी कभी हो जाता है लेकिन नहीं, पेन बहुत होती है इसको, ओवर सेंसिटिव बच्चा है शायद, और इसकी टांगे जो शायद बोन्स है उसमें पेन होती है। तो बस इसका ज़्यादा हमें टेंशन होती है, ये बहुत रोता है वैक्सीनेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा। ईमान थोड़ी छोटी है शायद इतना फील नहीं करती मे भी, और उसको थोड़ा सा रोती है उसके बाद वो ठीक हो जाती है, लेकिन अजान तो ना तो अपना वो बैंडेज रिमूव करने देता है ना कुछ, बड़ी टेंशन होती है अजान की तरफ से तो हम लोगों को। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर जो बैठी हुई ना, मैं अजान को लेके जाती हूँ जब भी, जो भी डॉक्टर यहाँ पे मौजूद होता है ना उसके साथ इसकी एक अलहदा ही फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग बन जाती है। लास्ट टाइम एक मेल डॉक्टर थे, उनको कहता है कि जी आई एम सुपर डुपर हेल्दी, दिस चेक माई मसल्स, अपने मसल्स दिखा रहा था, बड़ी चिट चैट करता है और बड़ा फन करता है डॉक्टर्स के साथ हमेशा ही। और जब ये प्रोसीजर आता है ना, जब हार्ट बीट और आई वगैरह चेक करनी होती है तो बड़ा ही फन करता है कि मैं हार्ट बीट ठीक है, आई एम सुपर हेल्दी, और डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। बड़े यहाँ पे इस पर ही नहीं पता होता है कि आगे प्रोसीजर क्या होने वाला है, बट ये चीज़ें बड़े ही वो शौक से करवा लेता होता है हमेशा से। अच्छा, हम लोग आ गए यहाँ वैक्सीनेशन वाले रूम में जहाँ पे इसको वैक्सीन लगनी है। यहाँ पे एक नाम फिलिपिना लेडी थी और डॉक्टर,
वो बहुत ही मतलब सारे माशाल्लाह स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ पे। अज़ान के उसके साथ ना अजीब ही फ्रेंड बॉन्डिंग बन गई थी, वो जब लिख रही थी तो अज़ान वाज स्टेयरिंग और उसको कंटिन्यूसली देखे जा रहा था और हंस रहा था, और एकदम मुझे कहता है मम्मी आई लाइक हर, तो शी वाज लाफिंग। मैंने कहा अच्छा तुम्हें पसंद आ गई है। She's a doctor. I like her. You like her? Oh my god. He was staring at you continuously. Then he said, "Mommy, I love her." Then she said, "I like her." You love her or like her? I like you. Our picture abhi baki hai. Meanwhile, start crying. Can you sit here? Yeah, he can. More drops. It's finished. I'll give you a video. I'll show you this video to everyone. That you cry so much. मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। वैक्सीनेशन की थकावट के बाद भूख शदीद लगी हुई थी। मैंने जिस दिन वैक्सीनेशन हो ना, मैं उस दिन खाना नहीं बनाती। मैं 4 से 5 बजे वहाँ पे निकलना होता है, टाइम पे पहुँचना होता है, सब कुछ करना होता है। तो मैं हम लोग शहाबिया की तरफ निकले, हम लोगों को ये मंदी वाला रेस्टोरेंट नज़र आया। मंदी खाने का दिल कर रहा था, काफ़ी अच्छे से खाई नहीं थी। प्रयास में भी एक बार दो ट्राई किए हैं बट मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी। हम लोग फिर यहाँ पे आए मंदी खाने, क्योंकि अज़ान भी ना कढ़ाई वगैरह नहीं खाता, सादी भी रोटी खाता है। तो मैंने सोचा ये भी चलो, उनके राइस फीके होते हैं, तो बस मुझे इसके सॉस पसंद है, जो इसके साथ चटनी मिलती है मंदी की, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अज़ान वो राइस खा लेता है और नवीद वो मटन मंदी खा लेते हैं। हम यहाँ पे आए और ये इनकी सीटिंग अच्छी थी, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे, मुझे ख़ास तौर पे ना ज़मीन पे बैठ के खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, बस उसके टेबल्स पे बैठने से ज़्यादा इससे बेहतर लगता है। कंफर्टेबल होकर बंदा बैठ जाता है, और साथ साथ आपके अगर छोटा सा बच्चा हो तो उसको गोद में लेके बैठना होता है। ईमान सो रही थी और मैंने सोचा चलो ईमान अल्लाह करे सोती रहे और मैं खाना आराम से खा लूँ, क्योंकि ईमान तंग करती है तो ना मैं खा सकती हूँ, क्योंकि मैंने अज़ान को भी खिलाना होता है, फिर ईमान को भी देखना होता है। खैर अच्छा जी, हम लोग अब खाना आ गया, और मैंने मदबी मंगवाई थी। मदबी होती है ग्रिल चिकन के साथ, और मंदी होती है आपका बॉयल्ड जो होता है यखनी में पका हुआ, मुझे ये वाला पसंद है, और मेरे हस्बैंड को मटन मंदी पसंद है। हम दोनों ने सेपरेट सेपरेट अपना ऑर्डर किया था। मैं चिकन सारा नहीं खा पाती, लेकिन मजबूरी में मुझे उस दिन थोड़ा बहुत खाना पड़ा। मुझे बस अगर थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन मुझे पसंद यही वाला है। उसके ऊपर जो ब्राउन अनियन है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। खास तौर पे ये जो सॉस है ना, इस ये सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। इसमें जो एक गार्लिक की टेस्ट होता है और चिली का थोड़ा सा फ्लेवर आता है, वो बड़ा मज़े का लगता है। ये मुलवा इसको कहते हैं, और ये अरबिक है, आई डोंट नो, मतलब पाकिस्तान में तो एक रोटी की नुमा होता है, लेकिन ये इसके अंदर एक तह होती हैं और बहुत ही लजीज होता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये आज से कुछ 4-5 साल पहले खाया था, उस टाइम से लेकर मुझे ये अब तक बहुत पसंद है। और अज़ान ने भी ना चावलों से ज़्यादा मट चिकन वगैरह ये बाकी चीज़ों से ज़्यादा ये खाया था, क्योंकि उसको भी बहुत पसंद था आया, उसके मतलब खाने पे उसका भी फोकस था। ईमान अभी सो रही है तो मैंने सोचा मैं भी फटाफट खा लूँ, अज़ान को भी खिला दूँ। भूख शदीद लगी हुई थी, क्योंकि वहाँ से थक जाते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा जब वैक्सीनेशन करवा के आते हैं। कभी फ़ास्ट फूड खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, मतलब हर मंथ में हमारी वैक्सीनेशन वाला डे जो होता है ना, वो हमारा खाना बाहर ही हम लोग खाते हैं। खाना खा लिया, फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, माशाल्लाह से बहुत भूख लगी थी, सारा खा लिया और बहुत मज़ेदार। बेगम बहुत खा लिया, मज़ा आया। अज़ान को वही मुलवा इतना पसंद आया, मैं उसको बाइट्स बना के दे रही थी, और ईमान उठ गई थी। मैंने इसको नीचे लिटाया था, मैंने कहा भाई इसको नीचे लिटा के मैं सुकून से खा सकती हूँ। मैंने अपना खाना फिनिश किया आराम से, और अज़ान को मैं बाइट्स बना के देती रही। खाना अच्छा था, बट कह सकते हैं 7 out of 10। बट आप लोग ट्राई कीजिएगा ये शाबिया में, कौन से नंबर में है मुझे नहीं पता। बहरहाल अच्छा था खाना इनका, रेट भी ठीक थे। ऑलमोस्ट मंदी में खाने 40 की थी मटन की, और चिकन की थी 30 या 25 की, मुझे याद भी नहीं है अभी सही से प्राइस एग्जैक्ट, बट यही था ऑलमोस्ट हमारा। ऑलमोस्ट बना था 90 के करीब, 95 बिल बना था ऐसे ही कुछ। यहाँ पे पार्किंग का इतना प्रॉब्लम है ना, इतनी दूर पार्किंग मिलती है, शाबिया में पार्किंग मिलना सबसे बड़ा अज़ाब है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको बड़े अच्छे से पता है, यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती कभी भी।
काफ़ी दूर पार्किंग थी, लेकिन चलो हमारा खाना हजम हो गया, हम लोग पार्किंग ढूंढते ढूंढते वहाँ पे पहुँच गए। अब हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा, बस घर जाके अभी सोना था और कुछ भी नहीं करना था। ऑलमोस्ट 9 to 10 o'clock का टाइम था और हम लोगों ने खाना शाना खा के फ्री हो के अब हम घर जा रहे थे। बस ये अब रेस्ट करना था और कुछ भी नहीं। बस चीज़ के साथ करती हूँ मैं व्लॉग का एंड, और इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।